जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। पनीर की सब्जी तो आपने बहुत खाई हुई नहीं, मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर। पनीर किस तरीके से पनीर बनाएंगे ना, तो सारे तरीके भूल जाएंगे। ग्रेवी बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही इजी बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। तो पनीर को हमें काटना नहीं है, उसे सबसे पहले तेल लेना है 3-4 चम्मच के करीब, और उसमें इस तरह से इसे शेलो फ्राई कर लेना ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और टेस्ट। इस तरह से फ्राई करने से क्या होगा ना, पनीर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से हमें इसको पलट पलट कर अच्छे से देख लेना जब तक इसका कलर ना आ जाए। इसको हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना क्योंकि हार्ड हो जाएगा। बस 2-2 मिनट इस तरह से सेक लीजिए और इसको निकाल के हमें तुरंत गुनगुना पानी लेना है एक बड़े बर्तन में, और उसमें नमक डाल के पनीर उसमें डाल दें। बस इसे इसी तरह से छोड़ दें। अब उसी तेल में हम कुछ खड़े मसाले ले लेंगे, जैसे 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता। इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। अब यहाँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया बारीक काट के, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से स्लाइस करके काट के डाल देने हैं, और 2 से 3 हरी मिर्च। यहाँ 1/4 कप के करीब काजू ले लेना है। सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से हमें भून लेंगे। जब तक कि हमारे प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते हमें इसे भून लेना है। तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए तो हमें इसमें लगभग 2 कप के करीब पालक को साफ करके इस तरह से रफली काट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। तो डाल देना 1/4 कप के करीब पुदीना और 1/2 कप धनिया या फिर 1 कप। अगर पालक कम है तो आप धनिया की और पुदीने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बिना पालक की भी इसकी यूज हो सकती है, बस उसमें आप धनिया 1 कप कर दीजिएगा और पुदीना। पालक डालने से क्या होगा ना, इसका बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा। बस हमें इसे 30-40 सेकेंड के लिए भून लेना और गैस ऑफ। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हमें जार में शिफ्ट कर लेना है और इसमें 1 कप के करीब दही डाल देना है, अच्छा गाढ़ा। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर खट्टा हो तो 1/2 कप डालिए, पानी डाल दीजिए। अब हम एक पैन उसी बर्तन में कीले लेंगे 2 से 3 चम्मच। इसमें हमें 2 छोटे चम्मच के करीब काजू ले लेना है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 1/4 चम्मच। इससे क्या होगा ना, हमने जो ग्रेवी बनाई है जब हम वो डालेंगे तो इसमें छींटे नहीं होंगे। ग्रेवी हमें इस तरह से बारीक पेस्ट बना लेना है बिल्कुल, उसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। पतली ग्रेवी होगी तो ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, तो इसे थोड़ा सा कम पानी डाल कर ही पीस लिया। बस इस तरह से हमें इसे अच्छे से भून लेना है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक देना है 5 मिनट। 5 मिनट बाद हमें इस तरह से ग्रेवी चेक कर लेनी है, देखिए इसकी छींटे उड़ने लग गए हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली है। अब इसे मिक्स करके हमें फिर से ढक देना है 5 मिनट के लिए। तब तक हम अपना पनीर काट कर रेडी कर लेंगे। इसे आप जैसे चाहे उस शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ इसे क्यूब्स का शेप में काटा है, पहले इसे लंबा लंबा काट लेंगे, बीचों बीच से काट लेना ताकि सारी शेप एक जैसी। अब जैसे चाहे इसे वैसे काट सकते हैं, बड़ा या छोटा जैसा आपको पसंद हो। सारे पनीर को हमें एक शेप में काट लेना है। अब देखिए पनीर हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। अब ये ट्रिक याद रखना, जब भी पनीर बनाए इस तरह से हल्के गर्म पानी में नमक डाल के रख दीजिए, वो सॉफ्ट रहेगा। ग्रेवी चेक कर लेते हैं, देखिए इसमें तेल छोड़ दिया है, ये अच्छे से सिक गई है। अब हम इसमें लास्ट में अपना कसूरी मेथी डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के करीब, इस तरह से क्रश कर देंगे, और गरम मसाला डालना है 1 चम्मच। ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल लास्ट में डालनी है। शुरू में डाल देंगे तो क्या होगा ना, इसकी खुशबू कम हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, और ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी या पतली रखें उसके अकॉर्डिंग पानी डाल देना। और लास्ट में हम डाल देंगे अपने पनीर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी।
उसके बाद इस तरह से सारे पनीर डाल देना है, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें ढककर थोड़ी देर और कुक करना है, 2 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए पनीर में मसालों का। तो लीजिए, रेडी है हमारी पनीर की सब्जी। इस तरीके से इसकी सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी लगती है। आप दूसरे सारे तरीके भूल जाएंगे, मेरी गारंटी है। गेस्ट को तो बहुत ही पसंद आएगी। वैसे बनाना बहुत ही आसान है और हेल्दी भी है, तो बहुत ही कम तेल में बन गई थी, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा और बिल्कुल स्वाद का रेस्टोरेंट जैसा है। बस ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा पनीर ऊपर से हमें ग्रेट कर दीजिए, थोड़ा सा पनीर बचा लीजिए, इसे सर्व करिए और इंजॉय करिए अपनी मनपसंद रोटी पराठा या चावल के साथ। अब मैंने ऐसे रुमाली रोटी के साथ सर्व की है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। बस बनाइए और इंजॉय करिए, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। बाय।